सोचिए, इस स्कूल में 900 बच्चे हैं, 42 आचार्य जी हैं, 55 का स्टाफ है। तो ये स्कूल का जब तक से आप स्ट्रक्चर में पूरा खर्चा नहीं करोगे, कैसे? ईमानदारी, और जिसकी नियत साफ है उसके साथ परमात्मा भी है। ये साबित कर रहा है कि इतने ठंड में, इतने अव्यवस्था के बीच आप लोग धैर्य और शांति के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हो गया इधर? वेरी गुड, चलिए। थैंक यू सर। छुट्टी हो गई, मम्मी पापा लोग नहीं आए हैं, चलो मैं अकेले घर चलता हूँ। अरे बेटा अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हारी मम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने हमें भेजा है। मेरी मम्मी ने आपको भेजा है? वो किसी काम में बिजी है, चलो हमारे साथ चलो। मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। अरे बेटा तुम हमें कैसे पहचानोगे, क्योंकि हम तुम्हारे मम्मी के ऑफिस में हम काम करते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अरे बेटा मैं तुझे बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पापा भी किसी के साथ है, चलो हमारे साथ। और क्यों बेटा? क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने बोला है जब तक मैं लेने के लिए ना आऊं तो तुम कुछ से घर आ जाना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाना। आपका मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ। अच्छा एक्सीडेंट हो गया है, चलो हमारे साथ। ठीक है चलो चलो। बेटा यदि मैं किसी को लेने के लिए भेजूं तो मैं उसे एक पासवर्ड बताऊंगी, वो पासवर्ड होगा आपके पापा का नाम। यदि वो आपके पापा का नाम बता देता है तो तुम उसके साथ आ जाना। क्यों रुक गए बेटा? पहले पास ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, पहले पासवर्ड बताओ। पासवर्ड? कैसा पासवर्ड? मेरी मम्मी ने आपको भेजा है ना, तो पासवर्ड भी बताया होगा। अरे हाँ बताया तो था, क्या था यार वो पासवर्ड, भूल गया मैं। ये सब छोड़ो चलो तुम, पहले पासवर्ड बताओ तभी मैं आपके साथ चलूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, चल चल, चल। अरे यहाँ देखो भाग रहा है, चलो उसे पकड़ो। अरे पागल हो गया क्या, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, चल। तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर है? हाँ ये है। होगा भाई, अच्छा चलो।